नमस्कार, पूर्णिमा की आवाज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सात भाई और एक बहन की। बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सात लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। सात भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने ये सोचा कि अपने भाइयों को ये बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोछना ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी उसी से अपना खून पोंछ दिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर सातों भाई फिर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वो शिकार तलाशते तलाशते थक गए और सारे भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे, तो बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाया था उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि कल इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने खाया कि आज तक ऐसा स्वाद नहीं आया। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी, अगर उन्हें पता चला कि उनकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जैसा हर रोज बनती हूँ वैसा ही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को इसी में मिला दिया।
ये सुनकर छह भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वाद हैं, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खूब स्वादिष्ट बहन का मांस होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वो खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि छह भाई एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांध से एक चबूतरा बनाया, जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना ये थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देखकर आएंगे, इसलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई, तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो वो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वो देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। टीले पर बने चांद को दिखाते हुए भाई बोला, वो देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांग पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को चांग पर खड़ी करके उसको रस्सी से बांस के खम्बे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाई जो मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वो ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वो तड़प कर रह गया। छह भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्दयता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया। छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना जो अचूक था लेकिन आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरे भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत गाया, उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। छह भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब सातवें भाई की बारी थी। छह भाई उससे कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ती देखी तो उसने अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वो फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया,
छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वो दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर छह भाइयों की तो जो बांछें खिल गई। सातों ने मिलकर अमृत बहन का शरीर चांग से नीचे उतारा। छह भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने सातवें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वे अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वो अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा खड्डा खोद लिया था। उसने अपने पत्तल में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से उस खड्डे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी छह भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े ने सातवें भाई को जूठा साफ करने को कहा और उसने जो बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सब को इकट्ठा करके उसे खड्डे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां मिट्टी से उस बहन की बचे हुए मांस के टुकड़े डाले थे उस स्थान पर बांस का एक पौधा आया। धीरे धीरे वो बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलत्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को उन्होंने काटकर एक बहुत सुंदर बांसुरी बनाई और वे उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा के लिए उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब तक छह भाइयों का भी विवाह हो चुका था, केवल सातवां भाई अभी कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही संत की बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजोरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजोरे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजोरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बज रहे बांसुरी, योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस तरह की करुण आवाज से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से छह भाइयों के द्वार पर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी ने स्वयं ये गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उनके मन में अब ये डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी की बांसुरी बजती रही तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। इसलिए वे संत अब अंतिम समय सातवें भाई के द्वार पर पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था, वह अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो और बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन ही मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है, अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते ही सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तांबूल, पान और जलपान से उनका सत्कार किया।
उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को पूरी बताई कि कैसे उसने बांस को काटकर जो बांसुरी बनाई है कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से देने की प्रार्थना की तो योगी ने उस छोटे भाई को वो बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिराहने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैरहाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वो छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वो घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने ये सब देखा तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वे मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा ये तो उसकी प्यारी बहन है, उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी नहीं छुप सकते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।